नमस्कार मित्रों, कैसे हो। हम अगर बात करें यूएसबी के बारे में तो जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो होती है ये, क्योंकि हम जब भी यूएसबी का नाम लेते हैं तभी सबके दिमाग में एक ही चीज आती है जो लंबी होती है जिसमें चार पिंस होती है, तो ये वाली यूएसबी हमारे दिमाग में आती है। लेकिन इसे छोड़ के और भी बहुत सारी जो पोर्ट या कनेक्टर हम बोल सकते हैं वो भी यूएसबी में ही आता है, जैसे कि ये। अभी इस फोटो को देख के आपको पता चल रहा होगा कि हम जो मोबाइल चार्जिंग में यूज करते हैं उसे भी हम यूएसबी कहते हैं, बराबर। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, हम ऐसे ही सारे कनेक्टर्स या टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के यूएसबी पोर्ट्स आते हैं और कितने टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हेलो, चालू करिए मित्रों। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप्स के यूएसबी है। तो ये जो है वो है टाइप ए का यूएसबी पोर्ट, जिसे हम बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, फिर वो कंप्यूटर्स हो, मोबाइल हो, या फिर हम कैमरा को चार्जिंग करते हैं, बहुत सारी जगह पे हमने यूएसबी टाइप ए को देखा होगा। अभी जो दूसरा टाइप है वो है यूएसबी टाइप बी। ये जो यूएसबी का टाइप है वो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये सब जगह पे ज्यादा यूज नहीं होता है। आपने अगर देखा होगा कि अपना जो प्रिंटर है उसके पीछे जो पिन लगती है वो भी यूएसबी टाइप बी की होती है। तो ये जो यूएसबी का टाइप है वो होता है टाइप बी। अभी ये जो टाइप बी है उसके अंदर भी दो पार्ट है, एक है यूएसबी टाइप बी मिनी और दूसरा यूएसबी टाइप बी माइक्रो। अभी ये जो यूएसबी टाइप बी मिनी जो पोर्ट है वो हम पहले जब नोकिया के फोन्स आते थे उसमें हम ज्यादातर यूज करते थे, और अभी भी बहुत सारे ऐसे कैमरास आते हैं जिसमें यूएसबी टाइप बी का मिनी वर्जन का जो पोर्ट है या फिर जो कनेक्टर है वो हम यूज करते हैं। ये जो यूएसबी टाइप बी की माइक्रो जो कनेक्टर होता है वो हम हमारे ज्यादातर मोबाइल्स में यूज करते हैं, और आपने बहुत बार देखा होगा कि अभी के बहुत सारे जो कैमरास है उसमें भी ये पिन आना चालू हो गई है। तो ये जो पिन है या फिर कनेक्टर हम बोल सकते हैं यूएसबी टाइप बी माइक्रो का जो कनेक्टर है वो अभी इतना यूनिवर्सल हो गया कि सब जगह पे हम उसे देख सकते हैं। अभी जो तीसरा है वो है यूएसबी टाइप सी। अभी इसकी जो एडवांटेज है सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं वो ये है कि ये रिवर्सिबल है, मतलब हम कोई भी एंगल में उसे अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स के कनेक्टर हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो वर्जन है वो क्या होते हैं, 2.0, 3.0, ये सब जो वर्जन है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसबी टाइप ए के वर्जन के बारे में। तो ये जो यूएसबी टाइप ए है जिसमें ब्लैक कलर का जो होता वायर आता था और जो यूएसबी के अंदर हम देखते पिन वो व्हाइट कलर की होती थी, ये जो वर्जन था वो होता 2.0। तो ये जो यूएसबी पोर्ट है वो फॉर्म हुआ था कुछ 2000 में, और इसकी स्पीड थी कुछ 48 Mbps, मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड की स्पीड पे ये चल रहा था। उसके बाद आया यूएसबी 3.0। अभी आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे ऐसे केबल्स होते हैं या फिर यूएसबी होती है जिसमें ब्लू कलर की जो पिन रहती है वो ब्लू कलर की रहती है, तो ये जो है वो है 3.0 का यूएसबी केबल। अभी 3.0 में फ़र्क यह है कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी स्पीड 4.8 Gbps तक जा सकती है, और ये फॉर्म हुआ था 2008 के आसपास अप्रैल में। तो ये तो हो गया टाइप ए के वर्जन के बारे में। अब बात करते हैं टाइप बी के वर्जन के बारे में। तो ये जो टाइप बी का जो यूएसबी पोर्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन काफ़ी हद तक चेंजेस हो गए थे, क्योंकि जो यूएसबी टाइप बी का जो पोर्ट था वो 3.0 के टाइप बी में कुछ इस तरह दिखता था, मतलब उसके ऊपर एक अलग से पिन डालने के लिए हेडर बना दिया था, मतलब फिजिकली ये दोनों पोर्ट अलग हो गए थे। वैसे ही हम जो माइक्रो यूएसबी टाइप बी है जो हम अभी हमारे फोन्स में यूज़ करते हैं, जो 2.0 का पोर्ट है वही पोर्ट 3.0 में कुछ चेंज होके कुछ ऐसा हो गया था जो हमें बहुत ज़्यादा तो देखा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी पोर्टेबल हार्ड डिस्क में ये पोर्ट यूज़ होता था, और सैमसंग के नोट 3 में भी ये पोर्ट यूज़ हुआ था जिसमें 3.0 पहली बार आया था और वो माइक्रो यूएसबी पे चलता था। तो ये तो बात हुई टाइप बी के बारे में। अभी टाइप सी का जो पोर्ट है उसमें कोई वर्जन्स नहीं है, हालांकि वो चलता 3.0 पे है लेकिन उसे हम कन्वर्ट करके 2.0 पे भी लोग उसे यूज़ करते। उसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है OnePlus 2 जो फ़ोन रिलीज हुआ था, उसमें यूएसबी टाइप सी है लेकिन वो चलता है 2.0 के स्पीड से, मतलब उसमें 48 Mbps तक की ही स्पीड सपोर्ट थी। तो आप उस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत हो जाएगा कि जिसमें भी टाइप सी का जो यूएसबी पोर्ट है वो यूज़ होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, या फिर वो 3.0 या 3.1 का पोर्ट होता है। तो जैसे ही ये 3.1 जब लॉन्च हुआ था, मतलब यूएसबी का जो 3.1 वर्जन लॉन्च हुआ था, तभी यूएसबी टाइप सी का उन लोग ने इन्वेंट किया था ताकि वो उसे यूनिवर्सल बना सके, मतलब कहीं भी जाएंगे कोई भी पोर्ट में हम यूएसबी टाइप सी को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूएसबी के ये जो पोर्ट्स है उसके वर्जन क्या है और वर्जन के हिसाब से कितने पोर्ट्स चेंज हुए वो सबके बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और आपने मुझे अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारी की सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपका कोई भी सवाल है या फिर कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो